Hello everyone. So now we are going to solve the question number second of investment accounting. So in the previous session we have covered the question number one, and I hope कि आपने question number one ध्यान से समझ लिया होगा. So question number one में हमने क्या solve किया था? Question number one में हमने सारे adjustments ex interest के solve किए थे. आज हम इस question में एक कम interest purchase सीखेंगे. तो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे. So now we are going to solve purchases कम interest. फिर अगले सेशन में सेल्स में भी मैं कम इंटरेस्ट ले लूंगा. पहले सेशन में हमने एक ही सेल सीखा था, यहाँ पे हम दो सेल सीखेंगे कि दो सेल है तो क्या करना है. सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं. देखो अगर परचेजेस रहा, परचेजेस का ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में है एंड वी हैव एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, तो नो वर्किंग नोट, आपको कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनानी है. ये ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको इजी लगेगा. अगर परचेज में कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है तो आपको वन वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. वी विल प्रिपेयर वन वर्किंग नोट इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट परचेज. अगर आपका सेल है, सेल में अगर एक्स इंटरेस्ट है जो हमने कल सीख लिया था, और एक बार फिर से दो बार रिवाइज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो सेल हमारे पास है. सो एक्स इंटरेस्ट अगर सेल होगा तो हम दो वर्किंग नोट बनाएंगे, और अगर कम इंटरेस्ट सेल होगा तो वी विल बी प्रिपेयरिंग थ्री वर्किंग नोट. तो बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस चैप्टर हाउ मेनी वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड व्हेन. सो दिस इज द मेथड व्हिच वी कैन रिमेंबर सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि हाउ मच वर्किंग नोट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड फॉर व्हिच पार्ट व्हिच वर्किंग नोट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. तो परचेजेस में एक्स इंटरेस्ट रहा तो नो वर्किंग नोट, कम इंटरेस्ट रहा तो वन वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर, सेल में एक्स इंटरेस्ट वी हैव टू प्रिपेयर टू, एंड कम इंटरेस्ट थ्री वर्किंग नोट. दैट मींस सेल जब भी होगा वर्किंग नोट के बिना तो आपका कैलकुलेशंस नहीं होगा. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द पॉइंट. इंटरेस्ट के दो डेट्स देख लेते हैं. इंटरेस्ट के दो डेट्स क्या है? इंटरेस्ट के दो डेट्स है 30 जून एंड 31 दिसंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ऑन द टॉप, 30 जून इज द इंटरेस्ट डेट एंड 31 दिसंबर जो हमारे क्वेश्चन नंबर वन के ऐसे ही डेट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में है. So in the books of Rohit I have written, today the percentage is 5%, 5% debentures, in the previous word it was 6% debentures. So 5% will be the interest which will be calculating. Year end hai 31st March 2020. So columns are same, date particulars, face value, interest cost, similarly date particulars, face value, interest cost. So chalo sabse pehla posting kya sikha tha humne? Sabse pehla posting humne sikha tha ki opening balance record kare. So yaha pe check kar lete. देखो डेट फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर रोहित होल्ड्स 1005% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 98,000. फेस वैल्यू क्या होता है? हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है. तो यहां पे मैंने डेट डाला है 2019 अप्रैल 1st. वी विल राइट ओवर हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितने डिबेंचर्स थे उसके पास पहले से? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 लाख. तो 1 लाख इज द फेस वैल्यू. कॉस्ट आपको डायरेक्टली दिया है 98,000. तो कॉस्ट इज 98,000. अभी हम करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन. देखो 1 अप्रैल यहाँ पे डेट है, तो 1 अप्रैल के पहले कंपनी को कब इंटरेस्ट मिला होगा? अप्रैल के पहले देखना है. अप्रैल के पहले इन दोनों डेट्स में से कब मिला होगा इंटरेस्ट? दिसंबर में मिला होगा. तो दिसंबर के बाद काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें काउंट करना है. सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें काउंट करना है. सो 1 लाख के ऊपर 5% 3 मंथ्स के लिए द आंसर कम्स टू 1250. तो इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन. ओपनिंग बैलेंस पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो हमारा शॉर्टकट था ओपनिंग बैलेंस अगर 3 मंथ्स है तो क्लोजिंग बैलेंस पे भी 3 मंथ्स ही आएगा. फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा. अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? मे. लेट अस चेक, मे में कोई ट्रांजैक्शन है क्या आपके क्वेश्चन में? तो अगर हम ध्यान से देखें तो परचेजेस में दिया है 1 मई 2019 200 यूनिट्स एट द रेट 96x इंटरेस्ट. तो दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट कम इंटरेस्ट. तो इसके लिए क्या करना है हम आगे सीखेंगे. तो अभी मे 1st क्या लिखना है आपको डेबिट साइड? परचेज करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट. ओके चलो, कितने यूनिट्स परचेस कर रहे हैं? 200. तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट कम्स टू 20,000 इज द फेस वैल्यू. रेट क्या है? 96 है. तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 96 दैट कम्स टू 19,200 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट.
नाउ अगेन वी आर गोइंग टू काउंट द इंटरेस्ट. ध्यान से गिनना, यही इंपॉर्टेंट है. ये है मे फर्स्ट. मे के पहले इन दोनों डेट्स में से कब इंटरेस्ट मिला था? दिसंबर में ही मिला था. उसके बाद काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. डोंट काउंट मे, फोर मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. तो 20,000 जो हमारा वैल्यू है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 4/12. तो चार महीने का इंटरेस्ट काउंट करेंगे. 20,000 पे चार महीने का इंटरेस्ट पॉइंट पे आता है, तो हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, 333. सो 333 इज द इंटरेस्ट अमाउंट विच विल बी राइटिंग. अप्रैल के बाद मई, मई के बाद अगला मंथ कौन सा है? जून. अभी जून आया तो ध्यान रखना, जून में यहाँ पे डेट है 31 दिसंबर, यहाँ पे भी डेट है. इन दोनों डेट्स को मिस्टर रोहित विल बी रिसीविंग द इंटरेस्ट. तो रोहित को इंटरेस्ट मिलेगा. अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होता है, हमने फर्स्ट सेशन में भी सीख लिया था, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने कंप्लीट किया है उसको. तो अभी अप्रैल के बाद मई, मई में पहले चेक कर लेते हैं ट्रांजेक्शन था, तो ट्रांजेक्शन का एंट्री. मई के बाद आता है जून, जून में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन जून में इंटरेस्ट का एंट्री. तो क्रेडिट साइड नाउ आई एम गोइंग टू पास द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट. क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट, दैट इज द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट. फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश. तो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी गिनते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट देखो, यहाँ पे 1 लाख है जो हमारे पास पहले से थे. 20,000 हमने परचेस किए, तो कितने हुए? 1,20,000. तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज द इंटरेस्ट रेट, मल्टीप्लाइड बाय 6/12. वाई 6/12? बिकॉज कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट हाफ ईयरली. तो दैट कम्स टू इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट वैल्यू इज 3,000. तो 3,000 रुपया इंटरेस्ट आया. ऐसे ही एंट्री हम डिसंबर 31 को भी करेंगे, एक एक करके. हमने डेट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डेट्स डालना जैसा ट्रांजेक्शन आएगा. जून के बाद नेक्स्ट मंथ इज जुलाई. सो लेट अस चेक, जुलाई में कोई ट्रांजेक्शन है क्या? परचेस तो नहीं है, अभी सेल दिख रहा है जुलाई में. तो जब कभी भी सेल होगा तो पोस्टिंग आपको पहले नहीं करना है. सेल में हमेशा वर्किंग नोट पहले प्रिपेयर करना है, बिकॉज इफ यू प्रिपेयर वर्किंग नोट करेक्टली आपका पोस्टिंग राइट हो जाएगा. अभी सेल में चेक करते हैं कौन सा इंटरेस्ट है. एक्स इंटरेस्ट, हाउ मेनी वर्किंग नोट्स? 2 वर्किंग नोट्स. कम इंटरेस्ट रहा तो 3 वर्किंग नोट. सो सेल में फिलहाल हम 2 वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर ये फॉर्मेट में आएंगे. सबसे पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस. तो क्या करना है? कॉलम्स है पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू और कॉस्ट. सबसे पहले वी विल राइट द ओपनिंग बैलेंस. तो कितना था हमारा ओपनिंग बैलेंस? जो हमने लिखा था 1 लाख था, एंड कॉस्ट था उसका 98,000. ठीक है, फिर हमने क्या किया? परचेस किया. तो कितना परचेस किया है हमने? सो वी हैव परचेस 20,000 फेस वैल्यू है, और जिसका कॉस्ट कितना है? 19,200. सो दैट इज द कॉस्ट. देन वी हैव टू ऐड दिस. तो आपको ये ऐड करना है. यू विल गेट द आंसर एज बैलेंस. सो दिस कम्स टू 1,20,000, एंड 98,000 प्लस 19,200, दैट कम्स टू 1,17,200. After getting the balance, we have written everything which was appearing in the question. तो हमने face value और cost, ये interest वगैरह मत लिख देना, because ये interest column है, और हमारे नीचे जो columns है वो face value और cost के column है. फिर next line, अभी हम लिखेंगे less sale. अभी ध्यान से, that is very important. देखो 31 जुलाई को हमने सेल किया, कितने units बेचे? 100 units बेचे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, 100 units बेचे. फेस वैल्यू क्या है? 100 ही है. तो 100 इंटू 100 इज 10,000. तो 10,000 हमने सेल कर दिए. अब आपको क्या करना है? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. दिस मल्टीप्लाइड बाय 1,17,200 डिवाइडेड बाय 1,20,000. आई रिपीट अगेन, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,17,200 डिवाइडेड बाय 1,20,000. तो द वैल्यू कम्स टू 9,767 इज द वैल्यू विच वी हैव गॉट. अभी इसका पहले बैलेंस ढूंढ लेते हैं. बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस 1,20,000 - 10 इज 1,10,000. 1,17,200 माइनस 9,767 1,07,433. ओके, बैलेंस आने के बाद थोड़ा सा स्पेस रखना और ट्रांजेक्शन आएंगे. आप अभी हम ढूंढेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इसी ट्रांजेक्शन का. 31 जुलाई डेट डाल रहा हूँ साइड में, ताकि आपको ये वर्किंग नोट कौन सा है समझ में आ जाए. सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट,
ठीक है चलो सेलिंग प्राइस देखते हैं, आपके क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस 100 यूनिट सोल्ड किए कौन से रेट में, 99 के रेट में, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 99 तो दैट कम्स टू 9900, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कौन सा जो हमने ढूंढा, 9767, तो कॉस्ट इज 9767, तो 9900 में से अगर आप 9767 माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 133 का, दिस इज द प्रॉफिट। तो अभी हमको एंट्री करते वक्त ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस की एंट्री करनी है, प्रॉफिट की एंट्री करनी है, ये कॉस्ट की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। देखो जुलाई फर्स्ट मैंने डेट डाल दिया है, जुलाई फर्स्ट यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू में कितने इन्वेस्टमेंट्स हमने सेल किए, हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे 10,000, 100 × 100, यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू लिखनी है, सेलिंग प्राइस लिखना है 9900, डू नॉट राइट द कॉस्ट वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। अभी इंटरेस्ट पहले गिन लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट। देखो जुलाई 31st लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जून में मिला था, जुलाई 31st लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जून में मिला था, जून के बाद काउंट करो जुलाई, सिर्फ एक ही महीना, एक महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे हम काउंट करेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो विल गेट द इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट कम्स टू 42 रुपीज, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। अब देखते हैं प्रॉफिट था कि लॉस था, तो हमने अभी सॉल्व किया 133 का प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, सेम डेट डालेंगे जुलाई 31st टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड रिमेंबर इफ यू हैव प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम कॉस्ट कॉलम में ही लिखेंगे। तो कितने का प्रॉफिट था, 133 रुपीज का प्रॉफिट था, तो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ सेल। सो वी हैव प्रिपेयर्ड टू वर्किंग नोट्स, मैंने आपको बताया कि दो वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे सेल में एक्स इंटरेस्ट, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग नोट इज द सेकेंड वन। तो लेट अस मूव फर्दर देन, जुलाई के बाद अगला मंथ कौन सा है, ऑगस्ट, डू वी हैव एनी ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, नो वी आर नॉट हैविंग। ऑगस्ट के बाद सितंबर, नो ट्रांजेक्शन, अक्टूबर नो ट्रांजेक्शन, नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट, 1st November 2019 300 यूनिट्स एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट। तो अभी ये लेवल आपके लिए नया इस क्वेश्चन में जो हम सीख रहे हैं, कम इंटरेस्ट परचेज, तो जब भी कम इंटरेस्ट परचेज रहेगा एक वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है। अभी वो वर्किंग नोट कैसे होगा थोड़ा समझ लेते हैं, वर्किंग नोट में यहाँ पे नीचे प्रिपेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग लगेगा। तो वर्किंग नोट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, वर्डिंग लिखना है आपको प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितने यूनिट्स परचेस कर रहे हैं हम, 300 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, तो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय आपको रेट दिया था 98 रुपीज, एक बार चेक कर लेना, देखो 300 यूनिट्स रेट है 98, कम इंटरेस्ट है मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अभी ध्यान से देखते हैं, तो वैल्यू विल बी 29,400, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को माइनस करना है। अभी इंटरेस्ट माइनस करते वक्त ध्यान से इस वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 300 × हर डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या होता है, 100 रुपया, 100, तो 300 × 100 कितना आएगा, 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय कब परचेस किया था देख लेते एक बार, परचेस कब किया है, 1st November को परचेस किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं November 1st, ठीक है। तो November 1st के पहले कब इंटरेस्ट मिला था, जून में मिला था, जून के बाद काउंट करते हैं जुलाई August, September, October, तो हाउ मेनी मंथ्स, 4 months, तो 4/12, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट गिनना है, दैट कम्स टू 500 रुपीज का इंटरेस्ट था इसमें ऑलरेडी इंक्लूड। तो अब हम क्या करेंगे, 29,400 में से 500 माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 28,900, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ये वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में नया हमने प्रिपेयर किया, एंड दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कम इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस ऑफ परचेजेस। तो जब कभी भी परचेज आएगा तो आपको ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है कम इंटरेस्ट में, एक्स इंटरेस्ट रहा तो हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी पोस्टिंग देखते हैं कैसे होगा, तो पोस्टिंग करने वाले अभी हम डेबिट साइड, तो चलो डेबिट साइड में जाते हैं, डेबिट साइड में नवंबर 1st का डेट है, क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट,
ठीक है। अब देखते हैं कितना परचेस किया हमने, 300 × 100 दैट इज 30,000। कॉस्ट लिखते वक्त ध्यान से वर्किंग नोट में चेक करो, अब भी हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, सो लेट अस सी द वर्किंग नोट। कॉस्ट कितना 28,900, इंटरेस्ट कितना 500, तो यहां से ही हम लोग लिखने वाले। तो इंटरेस्ट हमारा है 500 एंड कॉस्ट इज 28,900, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नवंबर 1st को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, दिस इज कम इंटरेस्ट वैरायटी व्हिच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग। तो वेदर यू विल गेट एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दैट डिपेंड्स, बट कम इंटरेस्ट आया तो आपको ये वाले कैलकुलेशंस करने हैं, और एग्जाम में कम इंटरेस्ट तो एक आएगा ही, परचेस में एक कम इंटरेस्ट, सेल में कम इंटरेस्ट, दोनों में एक एक चीज दे यूजुअली आस्क इन द पेपर। तो नवंबर का होने के बाद अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमें एक परचेस अभी जो हमने लिखा हुआ ऐड कर लेना है। कितना हमारा परचेस था अभी, 30,000। तो वॉट एवर यू आर राइटिंग अबाव ऑल दी पॉइंट्स यू आर गोइंग टू ऐड ओवर हियर। तो इसका कॉस्ट कितना था अभी, 28,900 जो हमारा कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है। अगेन वी हैव टू ऐड दिस, तो अभी आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस 1,10,000 + 30 कम्स टू 1,40,000। 1,07,433 + 28,900 दैट कम्स टू 1,36,333। ओके, इतना होने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नवंबर हो चुका है, नवंबर के बाद अगला मंथ है हमारा दिसंबर। दिसंबर ध्यान रखना, दिसंबर में इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलता है 31st को। पहले ये चेक कर दे 1st December को कोई ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे 1st December को सेल है, तो 1st December को सेल है तो पहले 1st December की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो 1st December 150 यूनिट्स 97x इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है हाउ मेनी वर्किंग नोट्स, टू वर्किंग नोट्स, तो चलो टू वर्किंग नोट्स पे जाते हैं। एक वर्किंग नोट तो ये है और एक वर्किंग नोट प्रॉफिट लॉस का है, तो इसी के नीचे अभी मैं लिख रहा हूं लेस सेल। तो सेल करना है, तो कितना सेल हो रहा है देखते हैं, लास्ट दिसंबर में कितना सेल हो रहा है, लेट अस चेक नाउ दिसंबर में कितना सेल हो रहा है। दिसंबर में कितना सेल हो रहा है, 150 यूनिट्स एट द रेट 97x इंटरेस्ट, 150 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे अभी 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लेस वैल्यू, तो कितना आएगा, दैट विल बी 15,000। ओके, अगेन द मेथड रिमेन सेम। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 136,333 डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो यू विल गेट द आंसर एज 14,607। तो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर कैलकुलेशन फॉर सेल। तो जब भी सेल होगा आपको कॉस्ट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब हम ढूंढेंगे बैलेंस, तो बाद में लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। 1,40,000 में से 15,000 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,25,000, दिस इज द लास्ट बैलेंस। एंड 1,36,333 में से 14,607 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,21,726। तो ये थे हमारे कैलकुलेशंस। अब पहले देखते हैं प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे अभी सेकंड वर्किंग नोट प्रॉफिट लॉस का, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट। कॉस्ट तो आपको यहाँ मिल गया है 14,607। सेलिंग प्राइस देखते हैं, 150 यूनिट्स बेचे थे, कौन से रेट में सेल किए एक बार चेक कर लेते हैं। 150 यूनिट्स एट द रेट 97, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 97 यू विल गेट द सेलिंग प्राइस एंड दैट कम्स टू 14,550 रुपीज। तो 14,550, देखो अभी लॉस होने वाला है, पहले सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 57 रुपीज का लॉस होगा। पोस्टिंग हमारा सेम, हम लोग सेलिंग प्राइस का पोस्टिंग करेंगे, लॉस का पोस्टिंग करेंगे, कॉस्ट का ये पोस्टिंग नहीं होगा। आप ध्यान से समझना इसका पोस्टिंग में कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले दिसंबर 1st आपको क्रेडिट साइड डेट डालना है, दिसंबर 1st क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट कितना था हमारा फेस वैल्यू, दैट वॉज 15,000 वॉज द फेस वैल्यू। कॉस्ट कितना था, कॉस्ट में सेलिंग प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस कितना था 14,550 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था सेलिंग प्राइस 14,550, ठीक है। अभी इंटरेस्ट गिनते हैं ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 1st के पहले
इंटरेस्ट कब मिला था? डिसंबर फर्स्ट के पहले इंटरेस्ट मिला था जून में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाउ मेनी मंथ्स? 5 months. तो 5 month के लिए इंटरेस्ट 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, तो यू विल गेट द इंटरेस्ट दैट कम्स टू 313 rupees. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट गिनना है, हर ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट गिनना है. सो अकॉर्डिंगली वी विल बी कैलकुलेटिंग एवरी ट्रांजेक्शन. तो एवरी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट गिनने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल विल पोस्ट द लॉस. तो आपको लॉस का पोस्टिंग करना है. देखते हैं लॉस कितना था हमारा. लॉस था 57. तो प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो दैट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर. तो डेबिट साइड में देखो जुलाई 31 को हमें प्रॉफिट मिला था तो हमने प्रॉफिट डेबिट में लिखा. अगर लॉस आएगा तो लॉस आपको क्रेडिट साइड लिखना है. सेम डेट डालना है जिस ट्रांजेक्शन का सेल है. तो आई एम राइटिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको कॉस्ट कॉलम में ही पोस्ट करना है. तो देखते हैं हमारा लॉस कितना था. लॉस था 57 rupees. तो 57 rupees आई बी राइटिंग इन द कॉस्ट कॉलम. सो दैट एंड्स विद द सेल वैरायटी व्हिच वी हैव सॉल्व. सो इन द सेल वी हैव कवर्ड टू पॉइंट्स. नंबर वन एक्स इंटरेस्ट सेल, नंबर सेकंड आल्सो एक्स इंटरेस्ट सेल. सेल में कम इंटरेस्ट अगर रहा तो हमें क्या करना है, प्री वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने. फिलहाल ट्रांजेक्शन तो सारे हो चुके हैं. दो परचेजेस थे हमारे पास एंड दो सेल्स थे हमारे पास. उसका प्रॉफिट लॉस भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है. नाउ कम्स द लास्ट डेट 31 December. तो 31 दिसंबर को अभी इंटरेस्ट मिलेगा. सो अभी ध्यान से चेक कर दे इंटरेस्ट कैसे लिखना है. यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश. अब इंटरेस्ट गिनने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं. पहले देख लेते हैं. देखो कंपनी के पास 1 lakh के इन्वेस्टमेंट्स थे पहले, फिर उसने परचेस किए 20,000, फिर 30,000 परचेस, फिर 10,000 सेल कर दिए, फिर 15,000 सेल कर दिए. अभी उसका इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा आप डायरेक्टली लास्ट आंसर देखो. लास्ट में यू हैव द आंसर दैट इज 1,25,000. तो 1,25,000 में कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट. सो विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में देखते हैं बाय बैंक अकाउंट. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 6/12. तो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस एज द इंटरेस्ट वैल्यू एंड द इंटरेस्ट कम्स टू 3125. सो 3125 इज द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट. तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स वी हैव कंप्लीटेड. आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट के भी दो ट्रांजेक्शन होने चाहिए. बिकॉज क्या हो जाता है, सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद हम इंटरेस्ट भूल जाते हैं. सो 30 June को एक एंट्री मैंने किया है क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 3000 एंड 31 December को एक एंट्री मैंने किया है क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 3125 ऑन द इन्वेस्टमेंट्स विच आई एम होल्डिंग अप टू 31 December. तो 31 December को मेरे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे उस पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट. वी हैव टू क्लोज एवरीथिंग. सो क्लोजिंग का मेथड आपको मैंने बताया था किस तरीके से क्लोज करना है. सबसे पहले हम फेस वैल्यू का टोटल करेंगे. तो फेस वैल्यू का टोटल विल बी 1,50,000. तो फेस वैल्यू का टोटल हम लिखेंगे 1,50,000. दोनों साइड में लिखेंगे 1,50,000. आफ्टर 1,50,000 1,50,000 में से ये दोनों आपको माइनस करना है. बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 - 15 - 10. So we'll get the balancing figure as 1,25,000. This is the closing balance. So I have written 2020, March 31st is the year. So yahan pe hum likhenge by balance carried down. So 1,25,000. After calculating the face value, cost ka total aapko karna hai. So cost ka total aayega 1,46,233. So yahi total dono side 1,46,233. From this value, ये सारे माइनस कर रहे 1,46,233 -57 -1,450 -9,900. आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,21,726. एक क्रॉस वेरिफिकेशन बताता हूँ. इतना सॉल्व करने के बाद आप राइट हो कि रॉन्ग हो. देखो ये आंसर हमें ऑलरेडी पहले मिला है, हमने वर्किंग नोट बनाया था. तो फेस वैल्यू में वी गॉट द आंसर 1,25,000. कॉस्ट में हमें आंसर मिला है 1,21,726. यही बैलेंसिंग फिगर आपको ऊपर आना चाहिए तो ही हम राइट है. अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का वैल्यू. इंटरेस्ट विल बी
फॉर 3 मंथ्स बिकॉज ओपनिंग बैलेंस 3 मंथ्स है तो क्लोजिंग बैलेंस भी 3 मंथ्स. फेस वैल्यू पे गिनेंगे 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज द रेट मल्टीप्लाइड बाय 3/12 सो यू विल गेट 3 मंथ्स इंटरेस्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस एंड दैट कम्स टू 1,563. तो इंटरेस्ट गिनने के बाद ही आपको इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करना है. नाउ क्रेडिट साइड का टोटल आपको करना है 3000 से लेके 1,563 तक प्लस करो. सी द टोटल विल बी 8,043. तो 8,043 में दोनों साइड लिख रहा हूं. आफ्टर गेटिंग 8,043 आपको डेबिट साइड के सारे अमाउंट माइनस करने हैं. यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 8,043 माइनस ऑल दिस यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट विल बी 5,960. दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इज 5,960. दिस वॉज द फुल क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. वी हैव सॉल्व टू परचेस एंड टू सेल्स इन द क्वेश्चन. न्यू वैरायटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम इंटरेस्ट वी हैव कवर्ड फॉर परचेस. In the next session to come, we'll be solving cum interest of sale, which is the highest level of this. So, वो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से working note हम बनाएंगे. So, thank you very much from this session. Next session में मिलेंगे. Bye bye. Take care.